दोस्तों, नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। दरअसल नियम किसी और के लिए थोड़ी बनाए जाते हैं, बनाए तो हमारे लिए जाते हैं। अब एक नियम ये भी है कि कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, और अगर इस कानूनी प्रावधान का पालन किया गया होता तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और उनके दोस्त की जान बच सकती थी। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है इस जानलेवा हादसे का एक बड़ा कारण दोनों यात्रियों की सीट बेल्ट का ना पहनना रहा था। सीट बेल्ट ना पहनने से जब उनकी तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ टकरा गए होंगे। हालांकि कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ना पहनने पर ₹1,000 के जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी नहीं है या फिर वो इसे नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि यातायात पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के कपिला ने भी इससे सहमत हैं कि पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई जाती है। बड़े शहरों में और महानगरों में तो ये काफ़ी कम है, छोटे शहरों में तो ये लगभग शून्य ही है। पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि हादसे के समय साइरस मिस्त्री और उनके साथी पिछली सीट पर मौजूद थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। इसके अलावा तेज़ रफ्तार होने और चालक के गलत अनुमान लगाने से भी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए कम से कम 6 एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी बताना चाह रही है। 8 यात्रियों वाले वाहनों में 6 एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री का अब निधन हो चुका है और वह उद्योग जगत में एक बहुत बड़ा नाम थे। सड़क मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल PTI भाषा के साथ बातचीत में कहा था कि मध्यम आय वर्ग की तरफ से खरीदी जाने वाली छोटी कारों में भी समुचित संख्या में एयरबैग दिए जाने चाहिए। उन्होंने महंगी कारों में ही 8 एयरबैग दिए जाने को लेकर निर्माताओं पर सवाल भी उठाए थे। आगे गडकरी ने कहा था कि वाहन में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने वाहन कंपनियों को 3-point सीट बेल्ट की पेशकश करने को कहा है, और उन्होंने कहा है कि पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले शख्स के लिए भी सीट बेल्ट आवश्यक होगी। अब ये देखना ज़रूरी है कि हमारा देश कब से इन सभी रूल्स को फॉलो करेगा और पीछे बैठे हुए भी सीट बेल्ट लगाएंगे।